एपिसोड में हमने देखा था कि वांगतोंग ने सॉल्व करने के लिए रूअली और लुशियन का नाम अपने पीठ में लिखवा लिया था, जिसे देखकर लुशियन बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि भाई इस तरह का भी शो ऑफ नहीं करना था। तो इधर बगल के डिसाइपल कहता है कि देखो इसने जबरदस्ती हमारे भी पीठ में लिखवा दिया। तो वांगतोंग कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो तुम लोगों के प्रति इन लोगों का प्यार है। और फिर वांगतोंग पूछता है कि लुशियन बताओ हमें आगे क्या करना है। तब लुशियन कहता है कि हमें सीधे लिंगविन माउंटेन की ओर जाना है, वहीं से हम इस कंपटीशन के आखिरी स्टेज में पहुंचेंगे। जिस पर वांगतोंग कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि हमें लिंगविन माउंटेन में ही जाना है। तब लुशियन कहता है यहाँ क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। जिस पर वांगतोंग बताता है कि लिंगविन माउंटेन पर ऑफिशियल तौर पर ताइचेंग ने मिस जून को चैलेंज किया है, इसलिए जितने भी डिसाइबल है वो सारे लिंगविन माउंटेन में ही इकट्ठे हुए हैं। तब लुशियन कहता है कि वो तो ताइचेंग ने फाइनली ये फैसला ले ही लिया। जिस पर वांगतोंग बताता है ताइचेंग ने इसलिए किया क्योंकि वो मिस जून को डिफीट करके टॉप 3 के पोजीशन को अचीव करना चाहता है। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि इस कंपटीशन में जीतने के लिए हमें फाइनल राउंड में टॉप 3 जनरल से फाइट करनी है, और उन जनरल से केवल गार्डियन सर्कल के टॉप 3 डिसाइपल ही फाइट कर सकते हैं। तब ये सुनकर लुशियन कहता है कि वो अब मैं समझा कि आखिर ताइचेंग इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है। फाइनल राउंड में जो उन जनरल से फाइट करेंगे उनमें से दो डिसाइपल तो फिक्स है, पहला सीनियर शेंगफेंग और दूसरा ली तोंग। इसीलिए ताइचेंग मिस जून को डिफीट करके टॉप 3 के पोजीशन में आना चाहता है ताकि वो उन जनरल से साथ फाइट कर सके, और इसी मूवमेंट के लिए वो इतने दिनों से अपने पावर्स को हाइड कर रहा था। जिस पर रोली कहते कि लुशियन अब हमें जल्दी करना होगा, वरना अगर हमारे पहुंचने से पहले ताइचेंग ने मिस जून को डिफीट कर दिया तो फिर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब वांगतोंग कहता है कि बिल्कुल तुम्हें जल्दी से पहुंच के ताइचेंग को चैलेंज करना होगा, वरना अगर वो तीसरे डिसाइपल के रूप में चुना गया तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जिस पर लुशियन भी अपने ओरा को अपेयर करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैंने भी इस मूवमेंट के लिए न जाने कितने दिनों से प्रिपेयर किया है, आज उस ताइचेंग से मैं अपना सारा हिसाब किताब क्लियर कर लूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें लिंगयू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसेबल यहीं पे पहुंचे हुए थे और मिस जून और ताइचेंग आमने सामने एरिना में खड़े थे। जिस पर अब मिस जून कहते हैं ताइचेंग तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया है, लेकिन मैं तब से देख रही हूँ कि तुम चुपचाप खड़े हो। तब ताइचेंग कहता है कि जून इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हारी जो करंट लेवल है उससे मुझे लगता नहीं है कि तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक पाओगे, इसलिए सबको यहाँ पे पहुँचने दो, आखिर वो लोग भी तो देखे कि मैंने तुम्हें किस तरह से डिफीट किया। जिस पर मिस जून कहते कि तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम लुशियन का वेट कर रहे हो और तुमने मुझे चैलेंज भी इसीलिए किया ताकि यहाँ पे लुशियन आ जाए। तब ताइचेंग कहता है बिल्कुल सही, तुम्हें तो मैं ऐसे ही डिफीट कर दूंगा, लेकिन उस लुशियन को मारने के लिए मुझे इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। तुम उसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह प्रोटेक्ट करते आई हो, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे खत्म कर दूंगा और आज यहाँ पे तुम भी इंटरफेयर नहीं कर पाओगे। जिस पर मिस जून कहती है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि लुशियन को मैं बचाती थी तो इस बात के लिए मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम इडियट हो, दरअसल मैं बीच में आके उसे बचाती नहीं थी बल्कि उसे रोकती थी, वरना जिस दिन उसने तुम्हारे क्लब को डिस्ट्रॉय किया था उसी दिन तुम्हें भी खत्म कर चुका होता। तब ये सुनकर ताइचेंग कहता है कि जून तुम्हें लगता है कि वो मुझसे बेस्ट है। जिस पर मिस जून कहती है बिल्कुल, उसने पहली बार में ही स्पीड किंग को खत्म कर दिया, क्या आज तक तुमने कभी स्पीड किंग को देखा भी है। तब ये सुनकर ताइचेंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि बस एक स्पेशल मॉन्स्टर को खत्म करने से ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो मुझसे बेस्ट है। जिस पर लीतोंग और सीनियर शेंगफेंग एरिना की ओर देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये लुशियन अभी तक क्यों नहीं आया। तब लीतोंग कहता है कि मुझे लगता है कि जून हार जाएगी, तुम्हें क्या लगता है। जिस पर सीनियर फेंग कहते हैं कि मिस जून उसकी अपोनेंट है ही नहीं, ताइचेंग तो मिस जून के बहाने लुशियन का ही वेट कर रहा है। तब लीतोंग माउंटेन की ओर देखते हुए कहता है कि वो गार्डन हमारे लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं, हमें बस एक और पर्सन की जरूरत है उनसे फाइट करने के लिए। जिस पर सीनियर शेंगफेंग कहते हैं कि अगर ताइचेंग जीत जाता है तो फिर हमें उसे मजबूरन अपनी टीम में लेना होगा, क्योंकि मिस जून को डिफीट करते ही वो टॉप 3 के पोजीशन को अचीव कर लेगा, लेकिन मुझे ताइचेंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो उन जनरल्स को डिफीट कर सकता है, इसीलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यहाँ पे लुशियन जल्दी से आ जाए और फिर वो ताइचेंग को डिफीट करके टॉप 3 के पोजीशन को अचीव कर ले, तब जाके शायद ही हम इन जनरल्स को डिफीट कर सकते हैं। जिससे सुनिए लीतोंग कहता है कि आखिर तुम्हें लुशियन पे इतना भरोसा क्यों है। तब सीनियर शेंगफेंग कहता है कि मैं उस बच्चे की एबिलिटी को जानता हूँ, वो भले ही फाइट करते करते मर जाएगा लेकिन कभी भी हार नहीं मानेगा, इसके अलावा उसने टाइम टू टाइम अपने पावर्स को प्रूफ किया है। जिस पर लीतोंग कहता है कि मुझे लुशियन से कुछ खास लगाव नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारी टीम में कोई ऐसा है जो इन जनरल के साथ फाइट कर सके। वैसे भी लुशियन का सामना आज तक गार्डियन सर्कल के टॉप 4 डिसाइबल से नहीं हुआ था। तब सीनियर शेंगफेंग कहता है कि तुम इतना टेंशन लेना बंद करो, मैं जानता हूँ कि लुशियन ही जीतेगा। जिस पर लीतोंग कहता है कि शेंग, क्या तुम्हें वाकई में लुशियन पे इतना भरोसा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ तुम खुद के अलावा किसी और की भी तारीफ कर रहे हो। तब सीनियर शेंगफेंग कहता है कि ऑफकोर्स मुझे लुशियन पे भरोसा है, और इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि मुझे ताइचेंग पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ इस टीम में फाइट करे। जिसे सुनकर लीतोंग कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। और अब इधर मिस जून अपने एक अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसे देखते हुए ताइचेंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बीट कर पाओगी। तब मिस जून कहता है कि मैं जानती हूँ कि तुमने इसी दिन के लिए अपने पास को हाइड करके रखा था, ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे डिफीट कर दोगे, लेकिन चूंकि मेरे बाद तुम लुशियन से फाइट करोगे इसलिए मुझे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर दूंगी।
जिस पर ताजेंग भी अब अपने ट्रू पावर्स को अपेयर करते हुए किया था, ये ठीक है कर लो ट्राई, मैं भी देखता हूँ तुम मेरी कितने पावर्स को ड्रेन कर पाती हो। तब इसकी पावर्स को देखते हुए मिस जून कह देखी वाह तुमने तो सेलेस्टियल स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर ताजेंग अपने डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए किया था, चलो बातें बहुत हो गई। तब मिस जून भी अपने वाटर जेट टेक्निक का यूज करते हुए चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेती है, जिस पर ताइचेंग अपने डिमोनिक हैंड से मिस जून के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर क्रिएट करने लगता है। तब मिस जून भी इसे किसी तरह से डॉच करने की कोशिश करने लगती है, जिस पर ताइचेंग कहता है हार मान लो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मिस जून कहता है कि लुशियन के आने तक मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकती, जिसे सुनिए ताइचेंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर तुम लोग उसकी इतनी ज्यादा तरफदारी क्यों करते हो। और ये कहकर ताइचेंग अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक अटैक आते हुए ताइचेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि लुशियन था, जो अब मिस जून के आगे आते हुए कहता है ताइचेंग तुम मेरा वेट कर रहे थे ना, लो मैं आ गया। और ये कहकर लुशियन अब मिस जून को उठाते हुए कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तब मिस जून कहता है चलेगा तुम यहाँ पे आ गए, मेरा काम खत्म हुआ। जिस पर इधर ताइचेंग कहता है कि लुशियन मुझे लगा कि तुम मुझसे डर के कहीं छुपे बैठे हो, लेकिन इतनी देर के बाद तुम यहाँ पे आ ही गए। तब लुशियन कहता है सिस्टर जून आपने अपना काम कर दिया, इसीलिए अब रेस्ट कीजिए, इसे मैं देखता हूँ। जिस पर मिस जून भी ओके कहते हुए सेरिना से बाहर चली जाती है और चिल्लाते हुए कहते कि लुशियन मैंने अपनी पोजीशन को तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, इसलिए मेरे टॉप 3 के पोजीशन को तुम्हारे अलावा और कोई अचीव ना करने पाए। जिस पर लुशियन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोजीशन को अचीव कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तब ताइचेंग कहता है कि लुशियन मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम्हारे पास जितने भी स्पेशल स्टोन और पिल्स है वो मुझे सरेंडर कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा बल्कि सिर्फ डिफीट करके छोड़ दूंगा। जिस पर लुशियन कहता है कि तुमने अभी जो कहा उसके लिए क्या तुम वर्दी हो। तब ताइचेंग कहता है क्या तुम्हें इस बात में कोई शक है, मिस जून पीछे हट गए, इसका मतलब आपसे गार्डियन सेक्टर टॉप 3 डिसाइपल मैं हूँ और अब मैं फ्यूचर में शेंग फेंग और लीतों को भी चैलेंज कर सकता हूँ, इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम भी मुझे सीनियर कह के रिस्पेक्ट दो। जिस पर अब यहाँ पे लीतों को सीनियर शेंग फेंग भी आ जाते हैं और सीनियर शेंग फेंग अब ताइचेंग को टीच करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम फ्यूचर में मुझे चैलेंज करोगे, कमाल है दिन प्रतिदिन तुम्हारी डेयरिंग तो बढ़ती जा रही है। जिस पर ताइचेंग कहता है चेंग फेंग क्या तुम यहाँ पे बीच में इंटरफेयर करने आए हो। तब लुशियन कहता है कि वो तो सारे सीनियर भी यहीं पे है। जिस पर अब एरिना के बाहर मौजूद डिसाइबल चिल्लाते हुए कहता है कि देखो वो सीनियर चेंग फेंग है, फाइनली इतने दिनों के बाद हम उन्हें यहाँ पे देख पा रहे हैं। तब सीनियर चेंग फेंग भी फुल शो ऑफ करते हुए कहता है कि हेलो एवरीवन मैं यहाँ पे काफी दिनों के बाद आई, इसलिए बताइए आप लोग कैसे हैं। जिस पर लीतों कहता है कि शो ऑफ करना बंद करो, हमें ये कंपटीशन भी जीतना है। तब सीनियर चेंग फेंग कहता है सॉरी लेकिन अपने फैंस से मिले हुए काफी दिन हो गए, इसलिए इन्हें देख के मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। और फिर सीनियर फेंग बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं सारे लोग अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं इस पूरे गार्डन सेक्टर नंबर 1 डिसाइबल सीनियर चेंग फेंग आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई लव यू गाइस, आप लोग मेरी जान हो। तब इस बात को सुनते यहाँ पे मौजूद डिसाइबल इस कदर से शॉक होते हैं कि मानो उन्होंने क्या ही सुन लिया हो। और फिर ये डिसाइबल सीनियर चेंग फेंग के मुंह से आई लव यू सुन के इस कदर से पागल हो जाते हैं कि लड़कियां तो लड़कियां अब लड़के भी चिल्लाते हुए आई लव यू टू सीनियर कहने लगते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।